हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज बनने जा रहा है मछली करी, यानी माछ भात। भात भात यानी चावल के साथ खाएंगे दोस्तों, इसलिए मैंने भात को ऐड किया है। और मछली भात जिनको पसंद है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। और कैसे बना रहे हैं हम उसको भी देखना दोस्तों। मछली को अच्छे से धो लिया है, उसके बाद हल्दी, उसके बाद नमक और थोड़ा मिला देंगे। चाहे आप चीज से भी मिलाइए, हम हाथ से मिला रहे हैं दोस्तों। आप चाहे तो किसी जगह से भी घोला मिला सकते हैं। तो दोस्तों, लहसुन, ग्रीन मिर्चा, जीरा, सरसों और दोस्तों इसमें जाएगा प्याज। तो दोस्तों, मछली में मुझको आलू डालना बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए आलू को काट रही हैं मेरी पत्नी। और उसके बाद आलू को दोस्तों भुना जाएगा गर्मा गर्म तेल में। चलो चलते हैं। तो दोस्तों, कढ़ाई में तेल चढ़ चुका है, आलू डाल चुका है और अभी आलू को भुना जाएगा दोस्तों लाल लाल होने तक। दोस्तों ये देखिए, थोड़ा लाल लाल हो चुका है, अभी इसको उतारेंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग आलू को ऐसे ही डाल देते हैं तो उसका स्वाद थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने आलू को भून के डालेंगे मछली के करी में। तो मछली भी जा चुका है दोस्तों तेल में, अब इसको एक साइड हो चुका है, दूसरा साइड को पलटे हैं अच्छी तरह से दोस्तों। दोनों साइड मछली पकना चाहिए। कोई कोई तो दोस्तों मछली को यूँ ही खा जाते हैं झोल में डाल के, यानी क्या बोलते हैं काचा। तो दोस्तों मछली लगभग हो चुका है, इसको उतारेंगे। उतर गया। वाह, मछली का देखिए दोस्तों कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है, लाल लाल हो चुका है, एकदम क्रिस्पी वाला, मुरमुरा वाला। दोस्तों ऐसे ही बासी पानी बहुत एक पीछे एक, यानी क्या बोलते हैं, एक थाली बासी पानी बहुत एकदम से पेट में चला जाएगा। बहुत ही अच्छा हुआ है कुरमुरा। देखिए दोस्तों लाल लाल हो चुका है। और थोड़ा मछली डालते हैं दोस्तों तेल में, उसको भी थोड़ा पकाते हैं। ये गया दोस्तों एक पीस मुंडी और एक पीस बीज का और एक बीज का और एक उसका क्या बोलते हैं दोस्तों, पूछ या फिर टेल। ये भी दोस्तों हो चुका है, इसको अभी उतार देंगे। उसके बाद दोस्तों मसाला को डाल देंगे। मसाला तो आपको दिखा चुके हैं, उसको पीस के रेडी किया है। मसाला डाल चुका है दोस्तों, उसके बाद टमाटर भी डाल चुका है, शायद 3 टमाटर डाला है दोस्तों। और ठीक है, तो दोस्तों इसको भी एकदम से मसाले के साथ मिला देते हैं टमाटर को। ओ देखिए दोस्तों, टमाटर का नामो निशान ही मिट गया है, एकदम से टमाटर मिक्स हो चुका है मसाले में। दोस्तों मसाला हो चुका है थोड़ा थोड़ा, यानी इसका जो कांचापन है वो मर चुका है,
अभी डालेंगे, मसाला हो गया है, अभी डालते हैं। क्योंकि आलू थोड़ा ही पका है दोस्तों, आधा पका है, आधा मसाला में पकेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं तो आलू दोस्तों क्या बोलते हैं थोड़ी देर के लिए हार्ड हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। उसके बाद पानी डालेंगे, छूने में आलू मेल्ट हो जाएगा तो अच्छा लगता है। भुना हुआ दोस्तों आलू लगभग हो चुका है, तो बोले रहेगा वीडियो में कैसा स्वाद है, चावल के साथ खाते बताएंगे, खा देंगे दोस्तों आप आलू लगभग को भी आपको ज़्यादा नहीं भुनेंगे दोस्तों, दो चार मिनट ही भुने। देखिए अभी देखिए कढ़ाई में लग चुका है मसाला और मसाला भी पक चुका है, अभी डालेंगे दोस्तों पानी। देखिए ये आलू भी थोड़ा थोड़ा हो चुका है, पानी लाओ पानी लाओ जल्दी से लाओ दोस्तों। ये गया पानी, आपके हिसाब से डालिएगा, हमारे तो ज़्यादा लोग हैं ना, झोल चाहिए चावल के साथ खाने में, इसीलिए थोड़ा और पानी डालेंगे, आप अपने हिसाब से बनाइए दोस्तों। नमक हल्दी वगैरह मैंने डाल दिया है, आपको ये सीन नहीं दिखाया वीडियो में, नहीं तो आप कमेंट ये तो नमक तो नहीं डाला, हल्दी भी नहीं डाला है दोस्तों। देखिए वो झोल देखिए फूट रहा है ना, गर्म हो चुका है, अभी डाल देंगे मछली, मछली डाला जा रहा है, मछली को थोड़ा सा पकाएंगे दोस्तों, 5-10 मिनट, ज़्यादा नहीं पकाएंगे नहीं तो टूट जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं थाली की तरफ, बस ढक दो, ये आ गया दोस्तों मेरा चावल और मछली का झोल, ओह गर्मा गर्म है दोस्तों, हाथ लगाया नहीं जा रहा। और ये रहा आलू, देखते हैं आलू पका है कि नहीं पका है, हाँ छिलका तो उतर जा रहा है ना, इसलिए पक चुका है बहुत ही अच्छा तरह से, टूट भी चुक गया है आलू, देखिए हाँ थोड़ा और झोल, बस हल्का और छिलका हाथ लगाए तो उतार दो, बस थोड़ा मसल दो चावल के साथ, मसलो मसलो। हाँ देखिए ये मेरी पत्नी का चावल है और वो टमाटर को चिकट रहे हैं मिर्चा के साथ, ग्रीन मिर्चा और उस उनका मक्स झोल यानी फिश करी। तो दोस्तों मैं तो आलू को भी भात के साथ मिला दिया हूँ, देखते हैं अभी स्वाद कैसा लगता है, मिला दो अच्छे तरह से, हाँ हाँ हो गया हो गया, अभी निवाला बनाओ, गोल निवाला गोल गोल पूरा गर्मा गर्म, गोल गोल बनाओ, गोल बनाओ गोल गोल, अरे यार बनाओ ना गोल बनाओ, मुँह में जाएगा अभी, ओह गर्म है इसीलिए, और थोड़ा हो और चलेगा चलेगा दोस्तों, बहुत ही गर्म है अभी अभी उतारा था ना, हाँ गोल बनाए अभी मुंह में जाएगा, देखते हैं स्वाद अच्छा है, हाँ दोस्तों बहुत ही अच्छा बनाए। तो दोस्तों अभी झोल को ट्राई करते हैं, ओह स्वाद आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।